रैनी अलवर से पत्रकार योगेश गोयल की रिपोर्ट। अलवर शहर में शिवसेना प्रत्याशी सीए श्री किशन गुप्ता लोकप्रिय समाजसेवी के द्वारा अलवर विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। प्रार्थना 49 स्कीम न दो शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने ओवरब्रिज रोड के पास शुक्रवार 23 नवंबर 2018 सुबह 11 बजे किया गया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन करण पूजनीय आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी के सानिध्य में हुआ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय वैश्य धन्यवाद देता हूँ इनको एक शॉर्ट नोटिस में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और सुरेंद्र गुप्ता जी का विशेष रूप से भी ये बिजी थे। इनकी कोर्ट में कोई तारीख भी थी फिर भी समय निकाल कर आए हैं। बाबूराम जी का भी मुझे डाटा जी का सबक मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और तरुण जी का भी हमारे सीनियर जो इंटरनेशनल कवि हैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। मैं अलवर का शहर को डेवलपमेंट करने का काम करने के लिए आया हूँ। पिछले 5 साल में आप सबों को मालूम होगा मैं डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, चाहे अपने फंड से कर रहा हूँ, अपने एनजीओ के थ्रू कर रहा हूँ या सीएसआर से कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं छोड़ा होगा जो सार्वजनिक प्रोग्राम मैंने बजट का भाग नहीं लिया हो। आगे मेरी बहुत बड़ी योजना है। मैंने एक सपना देखा था कि अलवर को एक भव्य सुंदर शहर बनाऊंगा जिसमें ना गंदगी होगी। पर्यटन के स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये शहर दोनों कैपिटल के बीच में है, यहाँ पहाड़ भी है, पानी भी है, हिस्टोरिकल चीज भी है, लेकिन पर्यटन को बिल्कुल छुपा हुआ है। जो राजनेता आते हैं केवल स्वार्थ के लिए अपने कमीशन वाला काम करते हैं, दूसरा काम ही नहीं करते। मैंने एक योजना और भी बनाई है कि यहाँ पर बीपीओ कॉल सेंटर जो गुड़गांव में ऐसे बीपीओ कॉल सेंटर यहाँ लगे, यहाँ 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिले। गुड़गांव से आधे कोस्ट पर यहाँ बीपीओ कॉल सेंटर चल सकते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक एजुकेशन हब बन सकता है, मेडिकल हब बन सकता है, क्योंकि दिल्ली बहुत क्राउडेड हो चुकी है। दिल्ली से पास सबसे बढ़िया लोकेशन अलवर ही है, लेकिन लोगों को यहाँ पर लाना, बुलाना, उनको एक सुविधाएं देना, तो अलवर में बहुत संभावना है। इंडस्ट्रियल एरिया डंप पड़ा हुआ है, उसको भी कोई रिवाइव नहीं कर रहे, उसको भी रिवाइव किया जा सकता है। मैंने सपना देखा है, अगर आप लोग यहाँ के अलवर की जनता चाहेगी तो मैं डेफिनेटली अपना पूरा समय अलवर के डेवलपमेंट में दूंगा। चुनौती के रूप में किस पार्टी को लेते हैं? चुनौती पर कांग्रेस के साथ है, बीजेपी तो थर्ड नंबर पर रहेगी, मेरे हिसाब से कांग्रेस से चुनौती होगी। इसे हम चाहते हैं कि देशभक्त राष्ट्रीयता पर, हिंदी माता पर, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पर अभिमान करने वाले अधिक से अधिक लोग विधायिका में पहुंचे और संसद में पहुंचे जिससे कि हमारा स्वप्न साकार हो। मैं अलवर को इंग्लिश मुक्त भारत का पहला अंग्रेजी मुक्त महानगर देखना चाहता हूं। इंग्लिश स्कूल यहां चले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ही एकमात्र डेवलपमेंट की सीढ़ी है, ये मिथक टूटना चाहिए। और कहीं भी अलवर में, कहीं भी साइन बोर्डों पर, शीर्ष पट्टों पर कहीं भी अंग्रेजी का ABCD देखने को न मिले। मेरा ये सब तभी साकार हो सकता है जब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के अभिमानी अधिक से अधिक देशभक्त पहुंचे विधायिका में, और इसीलिए मैं श्री कृष्ण जी गुप्त को अपनी मंगल कामनाएं देने के लिए यहां आया हूं, भगवान से याचना करने के लिए कि हे भगवान आप इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इन्हें परिपूर्ण सफलता प्रदान। हिंदुस्तान ये तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया डेट इज भारत ये बिल्कुल अपमानजनक है। इंडिया को हम हटाना चाहते हैं और हम इसकी जो मूल पहचान है भारतवर्ष वही स्थापित करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए देशभक्ति संपन्न, संवेदना संपन्न लोगों की आवश्यकता है। ये श्री कृष्ण गुप्त जो हैं, जिनको मैं श्री कृष्ण कहता हूँ, अपभ्रंश में श्री कृष्ण गुप्ता, अब ये गुप्त को गुप्ता भी किसने बनाया? ये अंग्रेजी ने बनाया। हमारे मिश्र को मिश्रा बनाया, हमारे गुप्त को गुप्ता बनाया, हमारे राम को रामा बनाया, हमारे कृष्ण को कृष्णा बनाया। हमने तो तुम्हारी मार्गरेट थैचर को थैचरा नहीं बनाया, एलिजाबेथ को एलिजाबेथा नहीं बनाया, बिल क्लिंटन को क्लिंटना हमने नहीं बनाया। सारी विकृतियां अंग्रेजी के कारण आ रही हैं, आई हैं। हमारे महाराज जयसिंह, वो जयपुर वाले जयसिंह के बहुत पहले
हमारा जो ये मत्स्य देश है उसका केंद्र है अलवर, और वे हिंदी के, हिंदुत्व के और हिंदुस्तान के अभिमानी थे। उनके द्वारा दिए गए नाम है ये मनु मार्ग, नरु मार्ग आदि जितने भी नाम है, तो उनका जो अंग्रेजी में जिसको विजन किया।